राजधानी रांची में नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस लगातार छापेमारी करती आ रही है, लेकिन रविवार को पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर नशे के सौदागरों के मास्टरमाइंड पवन यादव को गिरफ्तार कर लिया, फिर उसे हथकड़ी पहनाकर पूरे शहर में परेड करवाई। पुलिस की हथकड़ी में जकड़ा ये शख्स नशे के सौदागरों का मास्टरमाइंड बताया जाता है। पुलिस के अनुसार पवन यादव लंबे समय से सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में नशे का कारोबार कर रहा था। पुलिस ने इसे एक रणनीति के तहत गिरफ्तार किया। इसके लिए पुलिस ई रिक्शा से सुखदेव नगर थाना क्षेत्र पहुंची और इसे गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार इसके पास से भारी मात्रा में नशे का सामान बरामद हुआ है। एक ई रिक्शा में जाकर के उनको ट्रेप करते हुए खरीदार बन के हम लोगों ने कुछ लोगों को घेर के पकड़ा और उसमें से जो मेन खरीद बिक्री करते हैं, बिक्री का काम करते हैं जो पवन नाम है, उनको हम लोगों ने हिरासत में लिया। उसको सर्च किया तो उसके पास से कुछ ब्राउन शुगर मिला और उनके पास जो बेचा हुआ कुछ पैसा भी था। पुलिस ने पवन के साथ उसकी भाभी को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद पवन की पूरे शहर में परेड करवाई गई ताकि लोगों के मन से इसका खौफ दूर हो और इससे जुड़े लोगों के मन में भी खौफ पैदा हो। आरोपी है, उसे ना सिर्फ परेड कराया जा रहा है बल्कि इसे एक तरह से कहें तो पुलिस का जो कड़ी कार्रवाई है, जो संदेश है वो देने की कोशिश की जा रही है कि नशे के कारोबार में जो लोग शामिल रहते हैं उन पर पुलिस कार्रवाई जो है वो कड़ाई से किया जाएगा। और इसी के कड़ी में राजधानी रांची के सड़कों पर आप देख सकते हैं कि पवन यादव को घुमाया जा रहा है। पवन यादव जो है वो लगातार सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में नशे के कारोबार में शामिल रह चुका है। ऐसी कार्रवाई से निसंदेह नशे के कारोबारियों का मनोबल टूटेगा और लोगों का पुलिस पर भरोसा बनेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।